गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम सीखेंगे यूनिट सिस्टम के बारे में जो कि एमकेएस या एसआई यूनिट हम बोलते हैं या सीजीएस। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि एसआई क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, तो आज हम उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम जो है उसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले तो हम देखते हैं यूनिट क्या होता है। तो सपोज अगर मुझे कोई चीज को अगर मेजर करना है, सपोज ये पेन को ही अगर मेरे को मेजर करना है, तो ये पेन का जो मेजरमेंट है वो समझिए कि 100 सेंटीमीटर का है। तो 100 सेंटीमीटर एक यूनिट हुआ, 100 सेंटीमीटर का एक और यूनिट क्या निकलता है कि वो 1 मीटर भी होता है। ठीक है, 1 मीटर का अगर मैं 1000 मीटर कर दूं तो वो 1 किलोमीटर भी आता है। तो ये भी ये तीनों क्या है, एक एक यूनिट है। तो ये तीनों किस चीज का यूनिट है, ये तीनों लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो इसी तरह हम जब लिक्विड मटेरियल खरीदने जाते हैं तो उसको किस तरीके से खरीदते हैं, उसको हम मिलीलीटर में खरीदते हैं। ठीक है ना, मिलीलीटर में खरीदते हैं, ml, या लीटर में खरीदते हैं। ठीक है, देन वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो हम kg में खरीदते हैं, ग्राम्स में खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। कोई भी चीज को मेजर करने के लिए यूनिट होता है। अगर मैं बोलूं कि रोड को मेजर करना है, तो रोड को अगर आप मेजर करोगे तो रोड को हम मीटर में मेजर करते हैं, फीट में मेजर करते हैं। ठीक है ना, सेंटीमीटर में भी उसको कन्वर्ट करेंगे तो मेजरमेंट निकलेगा। तो अब देखिए यहां पर एमकेएस का मतलब है, एम का मतलब क्या होता है, मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एंड एस का मतलब सेकेंड। ठीक है, अब मीटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को। ठीक है ना, लेंथ को। किलोग्राम जो है वो मास को, एंड सेकेंड जो है वो टाइम को। तो समझ लीजिए ये पेन है, इसको अगर मुझे मेजर करना है तो मीटर में लेंथ मेजर करूंगा, तो लेंथ जो है वो मैं एमकेएस सिस्टम में मीटर में करूंगा। इसका वेट कितना है, मास। ठीक है, तो मास को मैं किलोग्राम में करूंगा एमकेएस सिस्टम में, या एसआई यूनिट भी हम बोलते हैं एमकेएस सिस्टम को, ये दोनों सेम होता है। आपको अगर कहीं जाना है तो एमकेएस सिस्टम में, एसआई यूनिट में हम टाइम को सेकेंड्स में डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में अगर जाना है, आपको 20 सेकेंड लग रहा है, तो 20 सेकेंड टाइम में डिनोट करते हैं एमकेएस सिस्टम में। अब इन सब का एक एक इनिशियल है, इनिशियल क्या क्या है, मीटर का एम होता है, किलोग्राम का केजी होता है, सेकेंड का एस होता है। ठीक है, उसी तरह सीजीएस जो है, सी का मतलब सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जी का मतलब ग्राम, एंड एस का मतलब अगेन सेकेंड। सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ग्राम जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, एंड सेकेंड जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इनका जो इनिशियल है वो है सीएम, सेंटीमीटर। ग्राम के लिए होता है जी, एंड टाइम के लिए तो सेकेंड का एसई है। तो अगर मैं इसमें एक एग्जांपल ले लूं कि स्पीड का यूनिट क्या है, मतलब अगर हमें स्पीड को मेजर करना है तो स्पीड का यूनिट क्या है, मेजरमेंट का कोई यूनिट तो होना चाहिए ना, नहीं तो हम उसको बोलेंगे क्या। अगर 2 निकला 3 निकला तो क्या 2 3 क्या, आगे कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर, ग्राम, जो भी है उसको यूनिट बोलते हैं। तो स्पीड का यूनिट क्या है, स्पीड को अगर हम मेजर करेंगे तो यूनिट क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले हम स्पीड का एसआई यूनिट या एमकेएस सिस्टम में हम निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, डिस्टेंस सेकेंड, किलोग्राम, मीटर, किस चीज में आएगा, लेंथ। डिस्टेंस जो है वो लेंथ होता है ना, तो मीटर में आएगा, तो एम, एंड टाइम का तो एस, तो हम इसीलिए बोलते हैं ना मीटर पर सेकेंड स्पीड। ओके, अब यही स्पीड के फॉर्मूले को अगर हम सीजीएस सिस्टम में करें तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस जो है अगेन लेंथ है, तो
तो लेंथ सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होता है, तो यहां पर आएगा सेंटीमीटर, एंड टाइम क्या है एस, तो यहां पर आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये है सीजीएस सिस्टम से सेंटीमीटर पर सेकेंड आता है, एंड ये जो है ये एसआई यूनिट या फिर एमकेएस सिस्टम से मीटर पर सेकेंड आता है। तो आई होप आपको यूनिट सिस्टम का जो अब कंफ्यूजन था, जो आपको क्लियर नहीं था, वो आपको अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी चीज का अगर हमें यूनिट सिस्टम सीजीएस में देखना है, एसआई यूनिट में देखना है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, कैसे यूनिट सिस्टम को देखा जाता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उसको चेंज किया जाता है सीजीएस टू एमकेएस में अगर जाएंगे या एसआई यूनिट में जाएंगे। तो एसआई यूनिट एक्चुअली क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसीलिए हम एसआई यूनिट ही सब जगह पर उसको यूज करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।